नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर तरुण शर्मा है। मैं मेट्रो हॉस्पिटल फरीदाबाद में एज ए डायरेक्टर ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी की कैपेसिटी में काम कर रहा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सचिन गोयल है। मैं मेट्रो हॉस्पिटल में ब्रेन एंड स्पाइन सेंटर यूनिट में काम कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे ब्रेन हेमरेज के बारे में, जिसके मुख्य सिम्टम्स होते हैं, जो लक्षण होते हैं, मरीज के सिर में दर्द होना, उल्टी आना, बेहोशी आना या हाथ पैर में कमज़ोरी आना, जिसको हम आमतौर पर अधरंग भी कहते हैं। तो ब्रेन हेमरेज में कई तरह की इसमें दिक्कत होती है, जिसकी वजह से ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग होती है। ये आप ब्रेन का मॉडल देख रहे हैं, जिसमें लाल रंग की ये छोटी छोटी नसें होती हैं, जिसके जरिए ब्रेन के अंदर खून जाता है। ब्रेन हेमरेज में आमतौर पे ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो जाती है, या ब्रेन में नसों का गुच्छा होता है जिसके फटने के कारण से ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो जाती है, या कई बार नसों में कमज़ोरी होती है जिसकी वजह से गुब्बारे जैसी कुछ शेप्स बन जाती हैं ब्रेन के अंदर, और जिनके फटने की वजह से ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो जाती है। इस अगर ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है, मरीज के सिर में दर्द होता है, बेहोशी होती है या उल्टी आती है, तो उसको तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। वहाँ जो हम इनकी मुख्य जांचें करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं सिर का या एमआरआई करते हैं, उसके बाद हमें पता चलता है कि मरीज के सिर में अंदर ब्लीडिंग हुई है। इसके बाद एक एंजियोग्राफी होती है, जो ब्रेन की नसों की जांच होती है, जिसके ज़रिए हमें पता चलता है ब्रेन की नस कहाँ से फटी है, किस तरह से फटी है, उसके बाद उसका आगे इलाज किया जाता है। इसमें हमें मुख्य चीज़ों का यही ध्यान रखना है कि जब भी कभी इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है, मरीज के सिर में अचानक तेज़ दर्द होता है, तो तुरंत अस्पताल जाना चाहिए, अपनी जांचें करानी चाहिए। सीटी स्कैन में अगर ब्लीडिंग जैसी कोई चीज़ आती है, तो फिर आगे उस चीज़ की आगे जांच होनी चाहिए। इस चीज़ का आगे इलाज संभव है, जिसका अगर जल्द इलाज किया जाए तो मरीज की जान बच सकती है। इस स्थिति में ब्लीडिंग होने पर ब्रेन में अगर हम देर से इलाज कराते हैं, टाइम लगाते हैं, तो इससे परिणाम अच्छे उत्पन्न नहीं होते हैं।